गुड मॉर्निंग गाइस, डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस बाय पाथ राइडर्स आपका स्वागत करते हैं। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2018 की समसायिक घटनाओं के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम आज साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है और इनके पीएम कौन है, करेंसी क्या है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी 23 अक्टूबर 2018 तक बनने वाले सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन क्लाइमेट फंड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रीन क्लाइमेट फंड वो दक्षिण कोरिया में स्थित है, तो इसका शॉर्ट नेम जीसीएफ है। तो जीसीएफ चर्चा इसलिए है क्योंकि बहरीन में 4 दिवसीय बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी जलवायु निधि ने नई परियोजनाओं के लिए $1 अरब से अधिक की मंजूरी दे दी है और जीसीएफ से जुड़े अधिकारियों की सहमति बनी है कि वे अगले साल और धन जुटाने का प्रयास करेंगे। जैसे अब तो इससे क्लियरलीफाई हो गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड दक्षिण कोरिया में स्थित है, तो आज हम दक्षिण कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ये एक ईस्ट एशिया की कंट्री है। साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ टेम्परेट जोन में पड़ता है और इसकी जो कैपिटल वो सियोल है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी चर्चा में बहुत था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, तो ये कभी मीटिंग सियोल में होती है तो कभी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में होती है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन और पीएम लीनाक योंग, ठीक है। और करेंसी इसकी एसके वॉन है, एसके वॉन बोले तो साउथ कोरिया वॉन, ओके। तो अगर अपन इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को देखें तो साउथ कोरिया के नॉर्थ में तो नॉर्थ कोरिया ही है और वेस्ट में येलो सी, जिसे वांग हेई कहा जाता है या आप येलो सी कह सकते हैं। और इसके जो साउथ में जापान है, साउथ में जापान और साउथ कोरिया के बीच में कोरियन स्ट्रेट है। जैसे आप मैप में देख भी रहे हैं कि ये साउथ कोरियन और जापान के बीच में एक कोरियन स्ट्रेट है। और ईस्ट में सी ऑफ जापान या इसे ईस्ट सी भी कहा जाता है या सी ऑफ जापान, ओके। तो ये इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो आज का ये देश था आपने दक्षिणी कोरिया, ओके। और कल अपन ने लास्ट अंक में अपन ने एक पढ़ा था इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्ट की अगर अपन दोहराए उसको तो उसकी कैपिटल क्या थी? कैरियो। पीएम कौन थे? मुस्तफा मौदबौली। करेंसी क्या थी? इजिप्टियन पाउंड, ओके। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नॉर्थन कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, बाद में उसके नीचे इजिप्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा था? एशिया। इन दोनों को कौन जोड़ता है? नॉर्थ कॉर्नर ऑफ एशिया और साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एशिया को, सॉरी नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका और साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एशिया को कौन जोड़ेगा? एक लैंड ब्रिज, जो किसके द्वारा बनेगा? सेनेई पेनिनसुला के द्वारा, ओके। और इजिप्ट के बारे में पढ़ा था कि एक इसके बीच से होके एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? वो है नील नदी, है ना। और इजिप्ट के वेस्ट में सूडान, सॉरी वेस्ट में लीबिया, साउथ में सूडान, ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा और जॉर्डन। और नील नदी के पैरेलल कौन चलती है? रेड सी चल रही है, जो इजिप्ट के ईस्ट में चलती है और इजिप्ट के नॉर्थ में इजराइल और गाजा स्ट्रीप है, ओके। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अपनी। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली क्रूज सेवा किस 2 तटीय शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये एक लग्जरी क्रूज शिप है जिसका नाम एंग्रिया है। क्या है? एंग्रिया। ये मुंबई से गोवा तक और गोवा से मुंबई तक पहली क्रूज सेवा है। मुंबई से गोवा जाने वाली पहली क्रूज सेवा 20 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। यह देश का पहला लग्जरी क्रूज शिप है। बता दें कि यह क्रूज शिप का नाम एंग्रिया है, जो कि मराठा नेवी एडमिरल कन्होजी एंग्रे के नाम पर रखा गया था।
तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर रखा गया, मराठा नेवी एडमिरल कन्होजी एंग्री के नाम पर एंग्रिया रखा गया, क्रूज सेवा जो बॉम्बे से गोवा और गोवा से बॉम्बे तक होगी। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018 के महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता, तो वो ताई त्यू जिंगे यिंग है, ये ताइवान की है और इन्होंने भारत की पीवी सॉरी साइना नेहवाल को हराया, और इसी के साथ साइना नेहवाल को रजत पदक और इन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ, और इसी के साथ ये बैडमिंटन की क्वीन भी बन गई है। क्वेश्चन नंबर फोर, राउंड द इंडियन पेनिनसुला भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जो पूरी तटीय पर हल्दिया से लेकर वेस्ट कोस्ट तक यात्रा करेगा, वेस्ट कोस्ट के किस जगह तक ये यात्रा करेगा, वो करेगा पोरबंदर। ओके तो ये पूर्वी तट पे हल्दिया है, यहाँ से लेके पश्चिमी तट पर पोरबंदर तक ये यात्रा करेंगे राउंड द इंडियन पेनिनसुला। ओके तो ये भारतीय सेना ने 21 अक्टूबर को पूर्वी तट से हल्दिया से लेकर पश्चिमी तट के पोरबंदर तक एक चुनौतीपूर्ण पवन नौकायन अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, नूर इनायत खान, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नूर इनायत खान जो कि हाल ही में चर्चा में थे, ये कौन थे, ये एक ब्रिटिश भारतीय जासूस थे, ब्रिटिश भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के जासूस नूर इनायत खान ब्रिटिश मुद्रा का अलग चेहरा हो सकती है, ये इसीलिए करंट अफेयर्स में अभी लिया गया है क्योंकि इनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोग ये मांग कर रहे हैं कि 50 पाउंड के नोट पर फिर से डिजाइन किया जाए और उस पर इनायत खान का चेहरा हो, तो ये इसलिए चर्चा में हो गया। और नूर इनायत खान कौन थे, एक ब्रिटिश भारतीय जासूस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य 2018 पर वैश्विक बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये मातृ और बाल स्वास्थ्य 2018 वैश्विक बैठक दिल्ली में की जाएगी, भारत इस साल दिसंबर में यूनिसेफ की मातृत्व और नवजात एवं बाल स्वास्थ्य हितकारी के भागीदारी बैठक में मेजबानी करेगा, इसमें करीब 100 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अब यहाँ पे यूनिसेफ आया है तो यूनिसेफ के बारे में भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके क्या है, मैं वापस दोहरा देता हूँ, यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि 11 दिसंबर 1946 को है, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब है, 11 दिसंबर को, तो भी यह मीटिंग दिसंबर में होगी, तो इससे अपन को एक क्ल्यू मिल जाता है कि यूनिसेफ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 11 दिसंबर को। ओके दिसंबर के मंथ में हुई, 1946। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार ने 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बेनामी लेन देन कानून के तहत 17 आंदोलन सॉरी अदालतों को अधिसूचित किया है, किस वर्ष यह अधिनियम लागू किया गया था, ये 2016 में किया गया था, इसके तहत पूरे भारत में बेनामी लेन देन कानून को निषेध सॉरी बेनामी लेन देन कानून निषेध लागू कर दिया गया या अधिसूचित कर दिया गया है अभी अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार द्वारा। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, इसी के साथ अगले अंक में हम मिलेंगे एक नए देश के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।